जय हिंद योद्धाज, दिस इज विपुल सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज आपका डिफेंस फोर्सेस के ऊपर दूसरा लेक्चर है एंड इसका टॉपिक है आपका इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। इसका ही संस्कृत में अगर हम मतलब निकालें तो आता है नभम स्पर्शम दीप्तम। यह है मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सबको पता होगा इंडियन एयरफोर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो चलिए उनके बारे में ही हम आगे पढ़ते हैं। तो चलिए, इंडियन एयरफोर्स जो है ये फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, बिकॉज ऑफ उस टाइम पे हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो इसीलिए उसका नाम पड़ा था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। एंड इसका हेडक्वार्टर है अभी दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इनिशियली नेम्ड एज रॉयल इंडियन एयरफोर्स, देन इट हैज़ वर्कड, मतलब उसके पास एक काम था, वो था सपोर्टिव फोर्स यूके के एयरफोर्स के लिए, मतलब जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटिशर्स का एयरफोर्स जो है उसको सपोर्टिव रोल प्ले करता था इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अभी कमांड्स के बारे में, इंडियन एयरफोर्स की कमांड्स। तो इंडियन एयरफोर्स में वैसे तो 7 कमांड्स है, उसमें से सबसे पहली कमांड है आपकी सेंट्रल कमांड, वो आती है प्रयागराज अलाहाबाद में। उसके बाद में आती है ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड है शिलोंग मेघालय में, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका वेस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड है न्यू दिल्ली में, कैपिटल ऑफ द कंट्री। उसके बाद में सदर्न कमांड है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम केरला में, ठीक है। उसके बाद में साउथ वेस्टर्न कमांड गांधीनगर गुजरात। उसके बाद में ट्रेनिंग कमांड, उस वो है बैंगलोर में। उसके बाद में मेंटेनेंस कमांड, वो है नागपुर में, ठीक है। अभी बात करते हैं, अभी कमांड्स जो है उसमें से एक कमांड है आपका वेस्टर्न कमांड, वो है आपका न्यू दिल्ली। तो जो न्यू दिल्ली का वेस्टर्न कमांड है उसको कहा जाता है सुब्रतो मुखर्जी पार्क, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनका नाम था एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एंड फिलहाल के जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उनका नाम है एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं रैंक्स की, इंडियन एयरफोर्स की रैंक्स। सबसे पहली और सबसे प्राइम रैंक है मार्शल ऑफ एयरफोर्स। मार्शल ऑफ एयरफोर्स आज तक एक ही ऑफिसर को मिला है, एंड द ग्रेट अर्जन सिंह उनका नाम था, ठीक है। अर्जन सिंह इज द ओनली ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स हु गॉट द रैंक ऑफ मार्शल ऑफ एयरफोर्स। उसके बाद में एयर चीफ मार्शल, ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं। उसके बाद में एयर मार्शल आते हैं, देन एयर वाइस मार्शल आते हैं, एयर कमोडोर आते हैं, ग्रुप कैप्टन आते हैं, विंग कमांडर आते हैं, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर। दीज आर द रैंक इंसिग्नियाज ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। अभी फॉर्मेशंस, सबको पता होगा सबसे पहले तो किसी भी इंस्टीट्यूशन और किसी भी फोर्स की सबसे पहले आती है हेडक्वार्टर, देन आता है आपका कमांड्स। अभी कमांड्स में दो टाइप है इंडियन एयरफोर्स की, पहली है ऑपरेशनल कमांड एंड दूसरी है फंक्शनल कमांड। उसके बाद में आता है विंग, देन स्क्वाड्रंस एंड देन फ्लाइट्स। आपके लेफ्ट साइड में आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, उस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आप जस्ट समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद में ब्रांचेस जो है इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स की ब्रांचेस कौन सी है। सबसे पहली है फ्लाइंग ब्रांच। तो फ्लाइंग ब्रांच जो है, फ्लाइंग ब्रांच का काम है प्रोटेक्ट्स एयर स्पेस ऑफ द नेशन विद द हेल्प ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। सबको पता होगा वी हैव द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव द बेस्ट पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। तो इसका प्राइम मोटिव है प्रोटेक्ट्स एयर स्पेस ऑफ द नेशन। उसके बाद में फाइटर पायलट्स जो है, जो फ्लाइंग जो पायलट्स आते हैं उनकी भी 3 कैटेगरी आती है। सबसे पहले फाइटर पायलट्स जो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट पायलट्स जो ट्रांसपोर्ट वाले प्लेन्स उड़ाते हैं, उसके बाद में हेलीकॉप्टर पायलट्स जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। उसके बाद में टू मैनेज एयर सपोर्ट एंड सप्लाईज। आप सबको पता नहीं होगा तो इंडियन एयरफोर्स जो है उसको और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड इसमें वो काफ़ी अच्छे से कर रहा है, उसका यह है एयर सपोर्ट देना एंड सप्लाईज को मैनेज करना, यह है इंडियन एयरफोर्स का काम। अभी फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रफेल, सबको पता होगा रफेल के बारे में। इसका ओरिजिन जो है वो लिया है हमने डसॉ एविएशन, फ्रांस से लिया हुआ है ये एयरक्राफ्ट हमने, ठीक है। तो ये जो है रफेल एयरक्राफ्ट, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट यही है कि ये फ्रांस से लिया हुआ है एंड इट इज़ द लेटेस्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद में है मिराज, मिराज जो है मिराज भी हमने फ्रांस से ही लिया हुआ है। एक राज की बात अगर बताई जाए तो जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था ना, उसमें भी आपका मिराज ही यूज़ किया गया था, ठीक है। उसके बाद में SU-30 MKI, सुखोई-30 MKI, ये भी लिया है हमने रशिया से। उसके बाद में MiG-21
ये भी लिया है हमने रशिया से। अगर किसी को पता नहीं होगा, जिस एयरक्राफ्ट से अभिनंदन सर ने शूट डाउन किया थे पाकिस्तान के 2 F-16, तो वो एयरक्राफ्ट था MiG-21। ये MiG-21 जो है ये काफ़ी पुराना एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के पास, बट इसमें मैटर ये करता है हु इज़ बिहाइंड द मशीन। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट मशीन कितनी अच्छी है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मशीन के पीछे कौन बैठा हुआ है ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है इस एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो देखो अभी है जैगवार। जैगवार जो है वो हमने लिया था डसो एविएशन फ्रांस से। उसके बाद में MiG-29 ये भी लिया हुआ है हमने रशिया से। ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की। सबको पता होगा जैसे मैंने बताया था, ये जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है इनका काम होता है जो ट्रांसपोर्ट द गुड्स एंड सप्लाईज को मैनेज करना। ठीक है, तो यही है, सबसे पहला है IL-76 इल्यूशिन 76, ये हमने लिया हुआ है USSR मतलब रशिया से। इसके बाद में हर्कुलस C-130J, इसका ओरिजिन यूएसए से है, यूएसए से हमने लिया हुआ है। ये दोनों जो है ये मेजर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स है। उसके बाद में हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है सबसे पहले है HAL ध्रुव, HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ध्रुव, इसका ओरिजिन है इंडिया में। उसके बाद में हमने चिनूक लिया रिसेंटली और वो लिया हमने यूएसए से। ठीक है, अभी बात करते हैं, पहली तो होगी फ्लाइंग ब्रांच, दूसरी है आपकी टेक्निकल ब्रांच। तो टेक्निकल ब्रांच का जो काम है, जो भी एयरक्राफ्ट्स एंड जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स है इंडियन एयरफोर्स की, उनको मेंटेन करवाना एंड उनको एक स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड करवाना, ये काम है टेक्निकल ब्रांच का। ठीक है, उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी। तो ग्राउंड ब्रांच में क्या होता है, सबसे पहले है लॉजिस्टिक्स जो सप्लाईज को मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन जो इंडियन एयरफोर्स का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालते हैं। उसके बाद में अकाउंट्स, इंडियन एयरफोर्स इज द ओनली डिफेंस फोर्स ऑफ द इंडिया विच हैव द सेपरेट अकाउंट्स ब्रांच। ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन, जो भी ट्रेनिंग वगैरह जो भी एजुकेशन है उसको जिम्मा सौंपा जाता है एजुकेशन ब्रांच को। उसके बाद में मेडिकल एंड डेंटल ब्रांच एंड देन मेटेरोलॉजिकल ब्रांच, ये भी है ग्राउंड ब्रांचेस की पार्ट्स। ठीक है, अभी सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स जो है ये कुछ पीछे नहीं है, है ना। इंडियन एयरफोर्स में भी स्पेशल फोर्स है एंड इसका नाम है गरुड़ कमांडोज। ये स्थापित किए गए थे 2004 में। इनका काम होता है अगर किसी एयरबेस पे कोई दुश्मन अटैक कर दे तो उनसे उस एयरबेस को बचाना। दूसरा काम होता है अगर किसी हॉस्टाइल नेशन में हमारा पायलट अगर शूट डाउन होता है तो उसको रेस्क्यू करके लाना, एंड इंडियन एयरफोर्स के बेसिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं गरुड़ कमांडोज। एंड एक पूरे गरुड़ कमांडोज को फुली ऑपरेशनल बनने के लिए पूरे 4 साल लगते हैं, 4 साल उनकी ट्रेनिंग होती है एंड उसी के बाद में वो गरुड़ कमांडो बनते हैं। ठीक है, तो ये है गरुड़ कमांडोज। अभी कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं हम। रफेल एयरक्राफ्ट इज ब्रॉट फ्रॉम विच कंट्री, तो हमने लिया था रफेल एयरक्राफ्ट फ्रांस से। ठीक है, अभी ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड इन, वो है बैंगलोर। देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। ऑपरेशन बंदर इज कोड नेम ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड टू बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन बंदर। उसके बाद में फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS ऑफ इंडियन एयरफोर्स, वो है सुब्रतो मुखर्जी। ठीक, एंड एक्सरसाइज रेड फ्लैग इज मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, हम आपकी तरफ से आपको सैल्यूट करते हैं। ठीक है, आप जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप नोट्स बनाओ एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।